1960 का दशक, उत्तर प्रदेश के बलिया का एक 14 साल का लड़का रोजगार की तलाश में धनबाद पहुंचा। कोयले की अंधेरी खदानों में उम्मीदों की रोशनी लेकर जिस बच्चे ने धनबाद का रुख किया था, उसका नाम था सूर्यदेव सिंह। धनबाद के भौरा इलाके में दूर के एक रिश्तेदार का घर पहला ठिकाना बना। अभी यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे कि एक रात उस रिश्तेदार की कोई बात इस कदर चुभी कि आधी रात ही सूर्यदेव सिंह घर छोड़कर निकल पड़े। धनबाद की सुनसान राहों पर ना तो कोई रोजगार था और ना ही कोई सहारा, अगर साथ था तो कुछ बड़ा कर गुजरने का इरादा। और इसी इरादे के साथ अंधेरी रात में चलते चलते सूर्यदेव सिंह जा पहुंचे बुर्रागढ़ इलाके में। यहाँ रहने वाले एक बंगाली परिवार की नजर इस बच्चे पर पड़ी और फिर उन्हीं की मदद से सूर्यदेव सिंह को यहाँ पहली नौकरी मिली। काम था कोयले के खदानों में काम करने वाले मजदूरों की हाजिरी बनाना। मेहनत के एवज में जो तनख्वाह मिलती उसका एक बड़ा हिस्सा वे अपने घर बलिया भेज देते ताकि परिवार को कुछ आर्थिक मदद मिल सके। बचे हुए पैसे वे खुद के खाने पीने पर खर्च करते। सूर्यदेव सिंह को पहलवानी का भी बड़ा शौक था। कद काठी के मजबूत सूर्यदेव सिंह ने काफी कम उम्र में ही कई बड़े बड़े पहलवानों को कुश्ती के दंगल में धूल चटाया। गुजरते वक्त के साथ सूर्यदेव सिंह जवानी की दहलीज पर जा पहुंचे थे और उनकी कुश्ती के चर्चे हर तरफ थे। 27 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो गई। जो इनकी अर्धांगिनी बनी उन्हें आप कुंती देवी के नाम से जानते हैं। शादी के कुछ वक्त बाद ही अपनी पत्नी और तीन छोटे भाइयों को इन्होंने धनबाद बुला लिया ताकि उन्हें एक सुरक्षित भविष्य दिया जा सके। सूर्यदेव सिंह ने पिता की तरह अपने भाइयों की परवरिश की। 70 के दशक का ये वो दौर था जब कोयले की निजी खदानों में मजदूरों का खूब शोषण हुआ करता था। खदान मालिकों की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने की हिमाकत करने की ताकत किसी में भी नहीं थी। मजदूरों के साथ दिनों दिन बढ़ते अत्याचार ने इन्हें अंदर से इस कदर झकझोर दिया कि इन्होंने जुल्म के खिलाफ इंकलाब का ऐलान कर दिया। इंसाफ के लिए आंदोलन तेज होता गया और अब सूर्यदेव सिंह मजदूरों के मसीहा के तौर पर पूरे कोयलांचल में अपनी पहचान बना चुके थे। इसी दौरान देश में आपातकाल के हालात थे। तानाशाही के खिलाफ आंदोलन में इन्होंने ऐसी भूमिका अदा की जिसके बाद जयप्रकाश नारायण और चंद्रशेखर सिंह जैसे बड़े नेताओं की नजर इन पर पड़ी। चंद्रशेखर सिंह के कहने पर ही सूर्यदेव सिंह ने साल 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर झरिया विधानसभा से पहला चुनाव लड़ा और ताउम्र विधायक रहे। गुजरते वक्त के साथ सूर्यदेव सिंह पर परिवार और समाज की जिम्मेदारी भी बढ़ती ही चली गई। लेकिन तमाम चुनौतियों के बावजूद इन्होंने सभी का भरपूर ख्याल रखा। सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी और सूर्यदेव सिंह के भी 5 संतानें पल बढ़ रही थी। इस दौर में सूर्यदेव सिंह की पहचान पूरे कोयलांचल में मसीहा के तौर पर बन चुकी थी। मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले सूर्यदेव सिंह को अब यहाँ की जनता अपना संरक्षक मान चुकी थी। बेबस और गरीब लोगों को न्याय के साथ आर्थिक मदद देना सूर्यदेव सिंह के जीवन का एकमात्र मकसद था। जरूरतमंदों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह से लेकर इलाज तक में वे भरपूर सहयोग करते। कहते हैं कि इनके दरवाजे से कभी कोई निराश नहीं लौटा। शरीर, दिमाग और चरित्र से मजबूत सूर्यदेव सिंह का रुतबा ऐसा था कि जब कभी हालात पुलिस प्रशासन के हाथ से बाहर होते तो सबकी आखिरी उम्मीदें सिंह मेंशन पर जा टिकती। सूर्यदेव सिंह ने बिना किसी जात पात भेदभाव के हर किसी की मदद की। 15 जून 1991, यही वो मनहूस लम्हा था जब सूर्यदेव सिंह का साया कोयलांचल के सिर से उठ गया। मजदूरों का मसीहा अब हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुका था। सूर्यदेव सिंह के निधन के बाद उनकी विरासत पर अपनों ने ही कब्जा कर लिया। कल तक जो शख्स दूसरों की मदद किया करता था, आज उसके बीवी बच्चे खुद वक्त के मोहताज हो चुके थे। अपनों के सितम और मुफलिसी के दौर से गुजरते हुए सूर्यदेव सिंह के अधूरे सपने को पूरा करने का जिम्मा उठाया उनके सबसे बड़े बेटे राजीव रंजन सिंह ने। जनता को भी राजीव रंजन के अंदर सूर्यदेव सिंह का ही अक्स दिखने लगा। यही वजह थी कि उस वक्त युवा पीढ़ी राजीव रंजन के साथ चल पड़ी थी।
इससे पहले कि राजीव रंजन अपनी मंजिल पर पहुंचते, वक्त की अंधेरी गलियों में वे हमेशा के लिए ओझल हो गए। मुसीबत की इस घड़ी में सूर्यदेव सिंह के कुछ भाइयों ने भी उनके परिवार का साथ छोड़ दिया। ऐसे हालात में सिंह मेंशन की गरिमा बनाए रखने और जनता की मदद के लिए कुंती देवी को सामने आना पड़ा। कुंती देवी को 2005 में झरिया विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल हुई। बेशक सिंह मेंशन झरिया विधानसभा से चुनाव लड़ता रहा हूँ, लेकिन जनता का प्यार इस पूरे कोयलांचल में हासिल हुआ है। 2014 में सूर्यदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह झरिया से विधायक चुने गए। संजीव की लोकप्रियता से घबराकर विरोधियों ने गहरी साजिश रची और उन्हें हत्या के एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया। तमाम मुसीबतों और साजिशों के बावजूद सिंह मेंशन पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर जनता के बीच खड़ा है और इस बार नेतृत्व की बागडोर को संभाला है सूर्यदेव सिंह के सबसे छोटे बेटे सिद्धार्थ गौतम ने। इन्हें आप मनीष सिंह के नाम से भी जानते हैं। गरीब, लाचार और मजलूम जनता की सेवा का जो सिलसिला सूर्यदेव सिंह ने शुरू किया था, वो आज भी जारी है। पिछले कई दशक से सिंह मेंशन के दरवाजे आम जनता के लिए हमेशा से खुले रहे हैं और आगे भी रहेंगे। न्याय के साथ क्षेत्र का संपूर्ण विकास ही इस परिवार का एकमात्र मकसद है। आज सिंह मेंशन ऐसे कुरुक्षेत्र में खड़ा है जहां एक तरफ सत्ता, सियासत और साजिश है, तो वहीं दूसरी तरफ सेवा, सम्मान और संघर्ष। धर्म युद्ध में जीत इस बार भी तय है, क्योंकि माता कुंती ने अपने पुत्रों को हारना कभी नहीं सिखाया।